हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं शानू राणा। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी हब में। फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चन नई एनर्जी के साथ। जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी, एमटीएस, एसएससी 10+2, UPSSSC किसी भी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा आपके होमवर्क के लिए। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं लास्ट में वीडियो के एक मोटिवेशन क्वोट आप लोगों को सुनाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? और बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप सभी को मालूम होगा, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे पहले। अच्छा, संविधान सभा की जब बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में ये पहली बैठक हुई थी। तब जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन वो अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी फिर 11 दिसंबर 1946 को हुई थी दूसरी बैठक। 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा को पूरा उनका निर्विरोध उनको चुना गया था और इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था संविधान सभा का। अच्छा, बात संविधान सभा की आ गई है तो यहाँ पे देखते हैं, जब संविधान सभा गठित हुई थी तब उसमें मेंबर कितने थे? तब उसमें मेंबर थे 339 मेंबर थे। कितने थे? 339 मेंबर थे। इसमें अलग अलग हिस्सों से थे, जैसे कि 292 जो थे मेंबर्स इसमें वो ब्रिटिश प्रांतों से थे। 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे। और 93 जो थे वो देशी रियासत से थे। 93 देशी रियासत से थे। और 4 जो थे वो थे चीफ कमिश्नर से थे। कहाँ से? चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। 4 सदस्य जो थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। उम्मीद है कि आपको सभी को समझ आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? यहाँ पर जो प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस जो मनाया गया था 4 जनवरी 2016 को मनाया गया था। कब? 4 जनवरी 2016 को मनाया गया था। और ये क्वेश्चन UPSSSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, उसमें यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो प्रथम मनाया गया था ये मनाया कहाँ पर गया था? ये प्रवासी दिवस जो था उत्तर प्रदेश का ये मनाया कहाँ पर गया था? ये मनाया गया था आगरा में। कहाँ पर मनाया गया था? आगरा में। अब यहाँ पर बात आ गई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप सभी को मालूम होगा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल। कौन है? आनंदी बेन पटेल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रकटित अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। प्रकटित अधिमान सिद्धांत था ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये थे पॉल सैमुएलसन। कौन थे? पॉल सैमुएलसन। ये अमेरिका के थे। ये अमेरिका के बहुत ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। और इनका जो अधिमान सिद्धांत है, अधिमान सिद्धांत ये उपभोक्ता व्यवहार पर है। किस पर है? उपभोक्ता व्यवहार पर। मतलब कि उपभोक्ता व्यवहार से मतलब कि उपभोक्ता क्या चीज़ खरीदे, उसको कैसे किस तरह से खरीदनी चाहिए, ये सब उसमें दिया हुआ है जो कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? देखिए यहाँ पर जो बैंक का नाम दिया है हिंदी में दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ है IDBI बैंक के बारे में पूछा गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 को। मैं मॉर्निंग में मैं जब करंट के क्वेश्चन डालता हूं तो मैं इसके बारे में सब कुछ बताता चलता हूं आप लोगों को। तो उम्मीद है कि आप सभी को इसके बारे में पता होगा। तो IDBI की एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका मुख्यालय है जो वो मुंबई में है। और इसके जो MD हैं वो हैं श्री राम। कौन है? श्री राम इसके MD हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मांग जन्य स्फीति एक स्थिति है। यहाँ पर मांग जन्य स्फीति पूछा जा रहा है, वो एक कैसी स्थिति होती है? अधिक मांग से। कैसी होती है? अधिक मांग से। अब यहाँ पर ये भी इकोनॉमिक से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है क्वेश्चन ये भी, तो इसके बारे में देख लेते हैं। मांग जन स्फीति जो होती है, जो मान लीजिए किसी चीज़ की अधिक मांग हो रही है और उसकी सेवाओं की भी अधिक मांग हो रही है और उसकी पूर्ति में कमी आ रही है, पूर्ति नहीं हो पा रही है,
तो उसको उसके बीच का जो अंतराल होता है उसको बोलते हैं मांगजन्य स्फीति। ये उसमें इसके बारे में दिया हुआ है, उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? दो देश हैं, उनके बीच जो वस्तु विनिमय होता है, आयात निर्यात होता है, उसको क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को पता होगा, द्विपक्षीय व्यापार। क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय व्यापार। इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक कौन से हैं? पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है, होती है क्रिया फोटोसिंथेसिस, तो उसमें क्या उत्पादित होता है? उसमें निकलता है ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं? ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, ये जो हरे पौधे होते हैं, पौधे का हरा भाग होता है, या फिर कह लीजिए जैसे कि पौधों की पत्तियां हो गई, पत्तियां जो होती हैं पौधों की, उनमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे से, उनमें ये होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। क्योंकि उनमें पौधे जो जो भी कुछ होता है अपना, जल या सूर्य की किरणें, वो उसमें ऑब्जर्व करते हैं। और जो पौधे होते हैं वो पानी किस तरीके से लेते हैं? वो पानी जो ज़मीन से, मृदा होती है, उनकी जड़ों से जाता है पानी, और इसी से ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन होता है। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। और अच्छा, पौधों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पौधों को, ओ माफ़ कीजिएगा, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हवा से। कहाँ से मिलता है? ये पौधों को हवा से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 4। कैसे होती है 4 मानव हृदय की कक्षों की संख्या? देखते हैं इसके बारे में। मानव हृदय दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में? दो भागों में बटा होता है। ऊपर ऊपर की तरफ होता है, जो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं दाएं अलिंद और बाएं अलिंद। कौन कौन सा होता है? ऊपर का भाग होता है दाएं अलिंद और बाएं अलिंद। नीचे वाला भाग को बोलते हैं दाएं निलय और बाएं निलय। कौन सा होता है नीचे वाला? दाएं निलय और बाएं निलय। ऊपर वाला दाएं अलिंद और बाएं अलिंद, नीचे वाला दाएं निलय और बाएं निलय। ऊपर वाले जो दाएं बाएं अलिंद होते हैं वो छोटे होते हैं। वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। और नीचे वाले दाएं निलय और बाएं निलय ये बड़े होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा आप सभी को। और जो ऊपर वाली होती हैं वो छोटे क्यों होते हैं? उनकी दीवारें जो होती हैं वो थोड़ी सी पतली होती हैं इसके हिसाब से, नीचे वाले निलय के हिसाब से उसकी दीवारें पतली होती हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है बड़े। छोटे बाएं अलिंद और नीचे वाले को बोला जाता है, नीचे वाले को बोला जाता है छोटे बड़े दाएं निलय। क्या बोला जाता है? बड़े दाएं निलय। उम्मीद है कि सभी को समझ आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मानव में स्वाद इंद्रियां कैसे पता लगाते हैं? स्वाद इंद्रियों का पता कैसे लगता है, मतलब कि हम लोग को टेस्ट का पता कैसे लगता है, वो स्वाद के द्वारा पता चलता है। उसको बोलते हैं हम लोग स्वाद, यानी कि जो जीभ होती है हमारी, जब जीभ को स्वाद पता चलता है तभी स्वाद इंद्रियां हमारी काम करती हैं। जैसे कि हम लोग को स्पर्श का पता कैसे चलता है, टच, जब कोई हम लोग को टच करता है तो वो कैसे पता चलता है हम लोगों को? वो स्पर्श के द्वारा पता चलता है। किसके द्वारा पता चलता है? स्पर्श के द्वारा पता चलता है। ऐसे ही जब कोई चीज़ सुनाई देती है तो वो सुनने वाली इंद्रियां होती हैं, उसके द्वारा पता चलता है। उसी तरीके से ये स्वाद इंद्रियां होती हैं, ये स्वाद का पता चलता है इससे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान की जो देशिका है उसमें 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ये कौन कौन से न्याय होते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। अब ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या होते हैं, इनको समझते हैं। देखिए, सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इसमें हो गया सामाजिक न्याय। और आर्थिक न्याय ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको उसकी आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक आधार पर उस पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। मान लीजिए कोई गरीब है या कोई अमीर है तो उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक न्याय का मतलब हुआ कि राजनीति में सभी को अधिकार समान प्राप्त होने चाहिए, राजनीतिक में सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इसलिए इसको बोला जाता है राजनीतिक न्याय।
अब ये तीन प्रकार के जो न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इनको लिया कहाँ से गया है? रूस में क्रांति हुई थी वोल्शेवेक की क्रांति। कौन सी हुई थी? वोल्शेवेक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वोल्शेवेक। अब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वोल्शेवेक की क्रांति रूस में कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी मुझे बताइएगा, वोल्शेवेक क्रांति रूस की है ये, कब हुई थी? अब यहीं से वोल्शेवेक क्रांति से ये तीनों न्याय की बात ली गई है हमारे भारतीय संविधान में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, यहाँ पर सफार नहीं सफारी होगा, गलती से हो गया। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? इटावा में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा, ये वहाँ पर स्थित है शेर सफारी। अब ये है क्या, देखते हैं इसके बारे में। इंग्लैंड में एक बना हुआ है लॉन्ग लीड सफारी पार्क। कौन सा? लॉन्ग लीड सफारी पार्क, ये बना हुआ है और इसी से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में बनाया गया है, जनपद इटावा में ये शेर सफारी पार्क बनाया गया है, जो कि जो लॉयंस होते हैं बब्बर शेर वगैरह उनके केंद्र है। और लॉयन सफारी पार्क इसलिए बनाया है क्योंकि वहाँ पे बब्बर शेर का प्रजनन वगैरह ये सब होता है वहाँ पर, तो इसीलिए इसको बनाया गया है, जो कि इंग्लैंड से प्रेरित होकर बनाया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड से प्रेरित होकर बनाया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यहाँ पर पूछा है सीधा सीधा क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक ने की थी। और कल के क्वेश्चन पे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ऑक्सीजन की खोज मैंने आपको बताया था की थी वो किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। और ऑक्सीजन का नामकरण किसने किया था? ये किया था एंटोनी लेवोइजियर ने। किसने? एंटोनी लेवोइजियर ने। तो ये हो गए आज के 12 क्वेश्चन। आप सभी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं कल मैंने होमवर्क के लिए क्या दिया था। कल का होमवर्क क्वेश्चन, कल का होमवर्क क्वेश्चन था प्रकाश का वेग क्या है। यहाँ पर प्रकाश का वेग पूछा था, यानी कि लाइट का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वो कितनी होती है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए थे, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 3×10^8 m/s। कितना? 3×10^8 m/s प्रकाश का वेग होता है। अच्छा, प्रकाश वर्ष जो होती है, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई क्या होती है, इसका मतलब यूनिट क्या होता है प्रकाश वर्ष का? यहाँ पर एक बात दिमाग में आ गई है, मैंने सोचा बता दूँ। प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है? पारसेक। चलते हैं आज के होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। आज का होमवर्क क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या नन ऑफ दीस? आपके चार ऑप्शन है आपके सामने हैं, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइएगा सभी लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए, और आप सब लोग अपना भी मोटिवेशन बनाए रखिए। और चलते हैं, आज मैंने कहा था अभी कि मैं आपको सब मोटिवेशन कोट आज सुनाऊंगा, तो चले चलते हैं मोटिवेशन कोट की तरफ। आज की मोटिवेशन कोट है आपके सामने, तो देखते हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, अब देखे कल क्या होता है, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। तो यहाँ पर आप सभी के हौसले जिद्दी होने चाहिए, जैसे कि मेरे जिद्दी हैं। तो आप लोग सभी लोग लाइक कर दिया करिए, सभी लोग शेयर कीजिए एक दूसरे को, और मिलते हैं कल के वीडियो में। इसी तरीके से अपने हौसलों को ज़िद्दी रखिए। जय हिंद।